देश भर में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कवरगति की टीम सावेर विधानसभा क्षेत्र के बगाना गांव पहुंची, जहां सरपंच पद प्रत्याशी जीवन चौहान से बातचीत की। बातचीत के दौरान चौहान जी से गांव की सड़कों, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल जाना। आगे उन्होंने बताया कि वे नई सोच और युवा जोश के साथ हमेशा से ही गांव का सेवक बनकर काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। बघाना ग्राम पंचायत से आप सरपंच प्रत्याशी हुए अमल कंडा, ठीक है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? पहले नंबर पे चश्मा। चश्मा मिला आपको? अच्छा, ये बताइए टोटल कितने गांव आते हैं यहाँ पे? करीब तीन गांव। तीन गांव? हाँ जी, बघाना, मावलाखेड़ी, मीरपुर। और कितने वोटर्स? 2107। जी, मूलभूत सुविधाएं गांव में कैसी हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का क्या हाल है? ये तो सर लगभग लगभग क्या है कि अभी काम दफाऊ मतलब चल रहा है मामला, मतलब पूर्ण रूप से हर चीज़, हर योजना ठीक से है नहीं यहाँ पे प्रॉपर। जो भी अधूरे मामले उनको पूरा करेंगे। वृद्धा पेंशन योजना हो गई, हाँ, या कुछ छूटे हैं? हाँ, इनको कुछ छूटे हैं तो क्या नए सिरे से करवाना है, मतलब जो भी जुड़वाना है जी। हाँ, और इसीलिए अपन इस दावेदारी कर रहे हैं, मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं? 4 कैंडिडेट जी। आप किस तरीके से अपने प्रचार, चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं, क्या तैयारियाँ? संपर्क कर रहे हैं जा जाके, और कुछ जो पोस्टर वगैरह छपवा के इनसे, और बाकी तो मूल रूप से ही ये कि और कुछ कम्युनिकेशन जैसे फेसबुक व्हाट्सअप से प्रचार हो रहा है जी। अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको क्यों वोट करें? कुछ पिछली गतिविधि जो योजना है या कुछ ठीक से हो नहीं रहा गांव में, मतलब व्यवस्थित योजना और जो स्कूल के योजना है या कुछ ठीक से हो नहीं रहा गांव में, मतलब व्यवस्थित योजना और जो स्कूल के बाउंड्री है या रोड का है, नाली का है, और खेत पे जाने के रास्ते हैं, या कुछ शमशान में जैसे क्या है कि कुछ सुंदरीकरण हो स्कूल में, ग्राउंड में हो, लेलीकरण हो, और जो गरीबों की योजना वो ठीक से सुचारू रूप से चल जाए। स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर सर यही है कि जो गांव में क्या है कि कुछ साफ सफाई होनी चाहिए और नाली क्लियर होनी चाहिए, तो जो भी पानी वानी क्लियर हो जाए तो साफ सफाई हो ठीक से, और जो पानी की अधूरी कुछ चीज़ें हैं, टंकी अभी बनी है पर सुचारू रूप से चालू नहीं है वो, तो उनसे व्यवस्थित करवाना उनको। ये बताइए शिक्षा को लेकर यहाँ क्या माहौल है, और पहले तो ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? मेरा सर 12th बायोलॉजी से किया है, फर्स्ट ईयर तक का मैं। अच्छा, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो मेरे सर उनका तो मेरे को पता नहीं, फिर भी क्या है वो 8वीं 10वीं तक ही सीमित है मेरे को ऐसा। पढ़ने का शौक रखते हैं आप? बिल्कुल, वो तो क्या है कि गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाया, नहीं तो अच्छा 8वीं भी पहले नंबर करा था, तो 11वीं बायोलॉजी से टॉप करा इंदौर में पढ़ के, हॉस्टल मिला सरकारी वहाँ पे पढ़े अपन, ज़्यादा कुछ समस्या और मेंटली प्रेशर थे या मेंटली प्रिपेयर नहीं थे अपन, तो फिर छोड़ना पड़ा, शादी जल्दी करते थे गाँव में ग्राम, तो इसलिए अपन ने घर छोड़ मतलब पढ़ाई छोड़ दी घर में। ठीक है,